निश्चय मित्र वेबसाइट पोर्टल पर जाकर उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और इस तरह के निश्चय मित्र बनकर गरीब मरीज जो टीबी के मरीज हैं उनको अडॉप्ट करके उनको इस योजना का फायदा दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारियां हैं और यही हमारा प्रयास भी है, कोशिश भी है कि ये जो जानकारी है जन जन तक पहुंचे और जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है भारत सरकार का उसमें हम अपना भी एक दायित्व निभा सकें। डॉक्टर हिसार, आपके पास आना चाहूंगी। हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है मार्च के महीने में। इस बार प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही थी कि 2025 तक भारत से टीबी को हटाया जाए और ग्लोबली 2030 तक इसको हटाने की कवायद होगी। तो ऐसे में टेस्ट का होना बहुत अहम रोल अदा करता है। अभी भी कई कन्वेंशनल टेस्ट हैं, कई नए तकनीक भी आए हैं, और कौन सी तकनीक है? हमने एक ऐसी भी तकनीक सुनी है कि कुछ घंटों में टीबी का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ टेस्ट के बारे में जो नई तकनीक है उसके बारे में जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक जो हैं अवेयर हो सके। बिल्कुल, आपने सही कहा। जो तकनीकी जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो एडवांसमेंट के वजह से हम लोग जो डायग्नोसिस के पार्ट अब जो है बिल्कुल सही और जल्दी से जल्दी हम पता कर सकते हैं, ऐसे तकनीकी आ चुके हैं। पहले हम लोग AFB स्मेयर करते थे, कल्चर करते थे, हफ्ते महीने तक वेट करते थे रिजल्ट आने के लिए। अब ऐसा है कि यूनिवर्सल DST के तहत आपको CBNAT कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करके, जो रियल टाइम PCR टेक्निक इस्तेमाल करके कुछ आध घंटे में, 2 घंटे में आपको ये भी पता चल जाएगा कि टीबी है या नहीं। एक दूसरा जो है टीबी के वजह से जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस जो है वो है या नहीं, 2 घंटे में पता चल जाए। इससे क्या होता है कि फायदा, 2 फायदे हैं। एक है कि जल्द से जल्द हम इलाज शुरू कर सकते हैं, एक दूसरा जो है अप्रोप्रिएट इलाज शुरू कर सकते हैं, जो ड्रग रेसिस्टेंट है उसके लिए उसे एड्रेस करके हम इलाज कर सकते हैं। तो ये जो जांच है जो ये बलगम में भी हो जाएगा, और सर ने जैसे कहा कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होते हैं वहां से हम बायोप्सी के माध्यम से टिश्यू लेके उस टिश्यू को टेस्ट करके भी पता चल जाएगा कि ये टीबी है या नहीं और रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है या नहीं, और उसके इलाज के दौरान जा सकते हैं। यही महत्वपूर्ण जानकारी हम जानना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीयूष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से टीबी को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार भी चर्चा कर रही है,